हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो भी लोग 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, उसके जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, है ना। तो आप जाकर के उनको देख लीजिए और जाकर के जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है फिर साइट पर, ठीक है। तो 2024-25 जो अकेडमिक सेशन है उसके लिए जो पेपर है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आ चुका है। और इसमें लिखा, एनटीए ने ये निकाला है और एनटीए ने कहा है कि 178 सिटीज़ के अंदर ये पेपर होने वाला है, 13 मीडियम्स में होगा और टेस्ट जो है वो किस मोड में है, ऑनलाइन मोड में है, ठीक है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है वो ओपन हो चुका है अपना, आपका पोर्टल 13 अप्रैल से, और 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आप फॉर्म भरिए, है ना। उसके बाद आपको 30 अप्रैल जो है वही आपको ट्रांजैक्शन पैसे भरने की जो फीस है वो भी यही है। देन अगर आपको करेक्शन करना है तो 2 से 4 मई तक की ये डेट आपको आएगी। और फिर एग्ज़ाम की जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपको मई के लास्ट वीक में ये लोग बता देंगे, है ना। और जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम की डेट क्या है, 12 जून 2024, है ना। तो इसको देख लो और फॉर्म भर लो, ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त ये है कि आप फॉर्म जा करके भरिए, फिर हम इसकी तैयारी करेंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, ये सब इन्होंने दे रखा है कि इस लैंग्वेज में ये पेपर होने वाला है। और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, अपने चैनल पर वीडियोज़ लेकर आएंगे इसके लिए, तो आप आराम से देखिएगा, है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है मेरे पास, आप इसमें देखेंगे, है ना। 4 सेक्शन का पेपर होगा जहाँ पे 38 डिफरेंट लैंग्वेज होंगी। सेक्शन 2 जो होगा वहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ अभी नहीं कर रहे। अभी बस मैंने ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है कि आपका जो है पेपर का एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, तो आप जा कर के जल्दी से फिल आउट करिए, है ना। उसके अलावा अच्छे से देख लीजिएगा, सबसे खास बात यही है, मेरे को यही कहना था कि आप पहले देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना। और देखो नीचे ना इसमें दे रखा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है, कितनी सीट्स हैं, है ना। तो इसमें देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग फिल कर लेना, ठीक है। तो चलो वो ख़त्म करते हैं आज के।